नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पे। आज 17 सितंबर 2022 और आज की दूसरी पाली का पेपर रेलवे ग्रुप डी का सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। सभी जीके जीएस मैथ और रीजनिंग के सटीक क्वेश्चन आज के इस वीडियो में कराए जाएंगे। अगर आपका पेपर भी आगे की शिफ्टों में लगा हुआ है तो आप सभी के लिए आज की वीडियो का एनालिसिस इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो अंत तक बने रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, ALU की फुल फॉर्म क्या है? तो आपको बता दें ALU की फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका सही उत्तर था, राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, सन 1919 में कांग्रेस अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर था अमृतसर। अमृतसर इसका राइट आंसर था। सन 1919 में कांग्रेस का जो अधिवेशन है ये आपका अमृतसर में हुआ था। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, UNO के महासचिव एंटोनिया गुटरेस किस देश से संबंधित है? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है पुर्तगाल। पुर्तगाल इसका राइट आंसर है। UNO के महासचिव एंटोनिया गुटरेस जो है पुर्तगाल देश से संबंधित हैं। पुर्तगाल इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मणिक रत्न किसे कहते हैं? मणिक रत्न जो है रूबी को कहते हैं। रूबी इसका राइट आंसर है, सही उत्तर है। मणिक रत्न जो है रूबी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जोड़ों के मध्य को फ्लूट पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? जो जोड़ों के मध्य में जो फ्लूट पाया जाता है उसे कहते हैं लिंगामेंट। लिंगामेंट इसका राइट आंसर था। जोड़ों के मध्य में जो फ्लूट पाया जाता है उसे लिंगामेंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्पैम मेल क्या है? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है, एक ही विषय पर बार बार मैसेज करना। स्पैम मेल जो है आप लोग अगर ईमेल चलाते हैं तो वहाँ पे अगर कोई ईमेल आता है तो गूगल वहाँ पे सजेस्ट कर देता है स्पैम मेल। तो स्पैम मेल वही होता है जो एक ही विषय पर बार बार मैसेज करता है, तो एक ही विषय पर बार बार मैसेज करने को स्पैम मेल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2018 से 19 में नीति आयोग की दर कितनी प्रतिशत थी? तो आपको बता दें 6.8% इसका सही उत्तर था, राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है, क्राई योजना किससे संबंधित है? तो आपको बता दें क्राई योजना जो है बाल अधिकारों से संबंधित है। क्राई योजना का संबंध बाल अधिकारों से है, बाल अधिकार यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह किसके शासनकाल में शुभारंभ हुआ था? तो विधवा पुनर्विवाह जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के शासनकाल में शुरू हुआ था। विधवा पुनर्विवाह जो है इसका शुभारंभ ईश्वर चंद्र विद्यासागर के काल में हुआ था, शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की जो है आँखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? तो आपको बता दें विटामिन ए, त्वचा संबंधी आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए विटामिन ए जो है काफ़ी ज़्यादा जो है आवश्यक होता है। मनुष्य की आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए विटामिन ए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और विटामिन ए किस में मिलता है? तो सेब में पाया जाता है, ठीक है। सेब में सबसे ज़्यादा आप लोग सेब में विटामिन ए पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो आपको बता दें काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, विटामिन बी बारह में जो है कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट इसका सही उत्तर है, विटामिन बी ट्वेल्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन बी वन रासायनिक नाम क्या है? थियामिन इसका राइट आंसर था। पॉलिश किए गए चावल खाने में से कौन सा रोग होता है? जो पॉलिश किए गए चावल होते हैं इनको अगर आप लोग खाते हैं तो दोस्तों बेरी रोग आपको हो सकता है। पॉलिश किए गए चावलों को खाने से बेरी रोग जो है हो सकता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो भोजन के उत्प्रेरक के रूप में जो है कार्य करते हैं। विटामिन का मुख्य कार्य होता है भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं? तो विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन कहते हैं। विटामिन ई जब अधिकता होती है तो आप लोग सौंदर्यता आप लोगों की निखर के आती है। किस राज्य में देश की पहली सी प्लेन परियोजना शुरुआत की जा रही है? तो आपको बता दें गुजरात इसका राइट आंसर है। गुजरात राज्य में देश की पहली सी प्लेन जो है परियोजना की शुरुआत की जा रही है, गुजरात यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला टायर पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला जो टायर पार्क है ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थापित किया जा रहा है। भारत का पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल में स्थापित किया जा रहा है, सही उत्तर हो जाएगा। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मिनी ट्रेन की शुरुआत कब हुई थी? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है केरल। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मिनी ट्रेन की शुरुआत जो है केरल में हुई थी। केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा केरल। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, भारत में पहला चंदन संग्रहालय
तो भारत में पहला चंदन संग्रहालय जो है कर्नाटका में स्थित है। भारत का जो पहला चंदन संग्रहालय है ये आपका कर्नाटका में जो है खोला गया है। कर्नाटका इसका सही उत्तर हो जाएगा। एशिया में कम कार्बन उत्सर्जन करने वाले पहला एयरपोर्ट है। एशिया में जो है कम कार्बन उत्सर्जन करने वाले पहला एयरपोर्ट है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली IGI। इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली IGI। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का पहला मॉस गार्डन को विकसित किया गया। भारत का जो है पहला कहां पर मॉस गार्डन विकसित किया गया तो उत्तराखंड में भारत का पहला मॉस गार्डन जो है विकसित किया गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा उत्तराखंड यहां पे सही उत्तर हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली प्लास्टिक के कचरे से बनने वाली रोड स्थापित हुई है तो ये कहाँ पर हुई है तो आपको बता दें ये उत्तर प्रदेश में जो है पहली प्लास्टिक के कचरे से बनने वाली रोड स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है कोयले से बिजली उत्पादन करने वाला अरब देश पहला अरब देश क्या है तो UAE इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है कोयले से बिजली जो है उत्पादन करने वाला पहला अरब देश है UAE बन गया है। ठीक है UAE इसका राइट आंसर हो जाएगा या यूनाइटेड आप लोगों का अमीरात होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत का पहला लाइकेन पार्क कहां पर स्थापित हुआ तो उत्तराखंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का पहला लाइकेन पार्क जो है उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। भारत का पहला जो है लाइकेन पार्क उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। भारत की पहली किसान रेल सेवा शुरू किया गया। भारत की पहली किसान रेल सेवा कहाँ शुरू किया गया है तो नासिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत की पहली किसान रेल सेवा का शुभारंभ नासिक में हुआ है नासिक इसका सही उत्तर हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय कौन था तो जावेद अख्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित होने वाला पहला जो भारतीय था वो था जावेद अख्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। पर्यावरण के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है तो UNDP इसका सही उत्तर हो जाएगा। पर्यावरण के लिए जो है UNDP अंतर्राष्ट्रीय संगठन है UNDP इसका सही उत्तर हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग का गठन किसके द्वारा किया गया है तो मुस्लिम लीग का जो गठन है ये आगा खां ख्वाजा सलीमुल्लाह और मोहम्मद अली के द्वारा किया गया है। तो मुस्लिम लीग का गठन जो है आगा खां ख्वाजा सलीमुल्लाह और मोहम्मद अली के द्वारा किया गया है। रेलवे बोर्ड के पहले चेयरमैन कौन थे तो आपको बता दें विनोद कुमार यादव इसका सही उत्तर है राइट आंसर है। रेलवे बोर्ड के पहले जो प्रथम चेयरमैन है इनका नाम है विनोद कुमार यादव यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है CSIR का फुल फॉर्म क्या है तो आपको बता दें CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च तो CSIR का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इसका सही उत्तर हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया गया था तो बता दें स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को जो है कब संबोधित किया था तो 1893 ईस्वी में जो है संबोधित किया था 1893 ईस्वी इसका सही उत्तर हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। विश्व धर्म सम्मेलन को 1893 ईस्वी में संबोधित किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है 21 जून पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो है 21 जून को होता है। 21 जून इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था तो आपको बता दें इसका सही उत्तर था सारनाथ। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था सारनाथ यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी तो लाला लाजपत राय इसका सही उत्तर था। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है भारत में निर्मित प्रथम जो कंप्यूटर का नाम है वो क्या था तो सिद्धार्थ इसका सही उत्तर था। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम था सिद्धार्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र का जो है उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है तो आपको बता दें इसका सही उत्तर था ऋग्वेद। चार वेद होते हैं चारों वेदों के नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखें और जादू टोने से संबंधित वेद का कौन सा है तो उसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। तो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है ये आपका ऋग्वेद में मिलता है पहला ही वेद है ये।
ऋग्वेद इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान की खेतड़ी, राजस्थान का जो खेतड़ी है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपको बता दें राजस्थान का खेतड़ी आपके तांबे की खानों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया है तो आज ही जाइए टेलीग्राम पर, जाके सर्च करिए सरकारी जॉब विदअप है, सरकारी जॉब विदअप है, आप लोग जाके सर्च करें, आप लोगों को टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। अभी तक बात करें तो सरकारी जॉब विदअप है टेलीग्राम पर 13,500 से भी ज़्यादा छात्र और छात्राएं रेलवे ग्रुप डी के हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। और आप सभी को बता दें अगर आपको फेज़ 3 में या फेज़ 4 में एग्ज़ाम लगा हुआ है तो वहाँ पर GK के, GS के और करंट अफेयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पर उपलब्ध कराए जा चुके हैं, जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट पहुँचाएंगे।